गाइस, ये जो चीजें आप देख रहे हैं खीर रेसिपी है मेरी जो मैं करवा चौथ में बनाती हूँ। ये कुछ बादाम लिए मैंने, काजू है, ये इलायची है, ये फेनी है, दूध गर्म करके रखा हुआ है। ये जो फेनी है इसे मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा। इसमें मीठा भी आता है पर मैंने ये फीका लिया हुआ है, इसमें कोई स्वीट वगैरह नहीं है क्योंकि प्यास लग जाती है, इसके लिए फीका मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको रोस्ट करने के बाद, दूध गर्म हो जाता है तो उस बाद में मैं इसको रोस्ट करके दूध इसमें डालूंगी और ये ड्राई फ्रूट्स पकने के बाद इसको मिक्स करूंगी। तो खीर जब बन जाएगी तो मैं आपको खीर बना के दिखाऊंगी। गाइस, ये सरगी तैयार है। मैंने चपाती बना रखी है, ये सूखी चपाती आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑयल से प्यास लगेगी इसलिए एकदम सूखी चपाती बनाई हुई है। ये आलू और फ्लावर की सब्जी है। थोड़ा सा मैंने शिमला इसमें डाला हुआ, मुझे अच्छा लगता है शिमला, तो शिमला मिर्च इसमें डाली हुई है। और ये जो फेनी मैंने दिखाई थी आपको उसकी खीर है, एप्पल है, ये पानी, ये नारियल है, जैसे बॉम्बे में खोबरा बोलते हैं इसको, नारियल, तो नारियल के टुकड़े हैं, कच्चा नारियल है। इससे थोड़ा प्यास कम लगती है इसलिए इसको खाया जाता है। बर्फ़ी, मिठाई, आपको स्वीट जो भी अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, पर मुझे बर्फ़ी अच्छी लगती है इसके लिए मैंने बर्फ़ी ली है। ये सब रेडी है। थोड़ा देर कर लो।